आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हाज़रीन व नाज़रीन, ये किताब हमने पूरी कोशिश की है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो अवारिफ़ुल मआरिफ़ में लिखा हुआ है उसे आपके सामने पेश किया जाए, मगर फिर भी कोई भूल हो गई हो तो हम शेखुल शुयूख हज़रत शहाबुद्दीन सरकार की बारगाह में मुआफ़ी के तलबगार हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि असल किताब से मिला लें, चूँकि ये किताब काफ़ी गहरे मानी रखती है, लिहाजा आप अपने पीरो मुर्शद से बात करके बात समझने की कोशिश करें। वाज़े रहना चाहिए कि अवारिफ़ुल मआरिफ़ एक ऐसी किताब है जो लगभग हर खानकाह में पढ़ाई जाती है और साल हा साल तमाम मशाइख ने इसे अपनाया है। हिदायत देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हम दुआ करते हैं कि हज़ूरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह हम सबको सही इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता करे और हमारे ज़ाहिर और बातिन की मुश्किलात को दूर फरमा दे, आमीन। बाब नंबर 4, सूफिया के अहवाल और इनके मुख्तलिफ तरीके। दिल को कीना से खाली रखना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शेखुल आलिम ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, अबू अहमद अब्दुल वहाब बिन अली बरावियान मुख्तलिफा सईद रज़ियल्लाह अन्हो बिन अलमुसीब से रिवायत करते हैं कि अंस बिन मालिक रज़ियल्लाह अन्हो ने शेखुल आलिम ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, अबू अहमद अब्दुल वहाब बिन अली बरावियान मुख्तलिफा सईद रज़ियल्लाह अन्हो बिन अलमुसीब से रिवायत करते हैं कि अंस बिन मालिक रज़ियल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुझसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ फर्जंद, अगर तुझे इस बात पर कुदरत हो कि तू सुबह और शाम इस हाल में बसर करे कि तेरे दिल में किसी की तरफ से कीना ना हो तो ऐसा कर। फिर आपने फरमाया कि ऐ फर्जंद, ये मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा रखा, इसका अहया किया, इसने गोया मुझे जिलाया और जिसने मुझे जिलाया वो मेरे साथ जन्नत में गया। बस ये सबसे अजीम शर्फ और कामिल तरीन फजल है कि जिसकी खबर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स के बारे में दी है जिसने सुन्नत नबवी का अहया किया। बस सूफिया कराम वही हजरात हैं जिन्होंने इस सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहया किया और अपने दिलों को गुलो गश, कदूरत, कीना बुग़्ज़ से पाक किया। इनके काम की बिना बुलंद है और इससे इनका जौहर ज़ाहिर हो गया और इनकी फजीलत आया हो गई और अहयाए सुन्नत पर कादिर होने और इसके हक़ वाजिब के साथ मुस्ताद होने की वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने दुनिया से ज़ुहद को इख्तियार किया और इसे दुनिया परस्तों और इसके तालिबों के लिए छोड़ दिया कि कीना और नफाक की परवरिश और इनका उठान दुनिया और अहल दुनिया के नज़दीक रिफ़त व मंजिलत की मोहब्बत है। और सूफिया कराम रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिला में बिल्कुल बेपरवाही और बेरगबती बरती है, जैसा कि बाज़ सूफिया ने कहा है कि हमारा तरीका इन्हीं लोगों की इस्लाह और दोस्ती के लिए है जिन्होंने अपनी अरवाह की मज़बिलों, घोरों को कूड़ा करकट अलाइक दुनिया से पाक साफ़ कर लिया। और जब इन लोगों के क़ुलूब से दुनिया की मोहब्बत और रिफ़त की चाहत नाबूद हो गई तो उन्होंने सुबह शाम इस हाल में बसर की कि इनके दिलों में किसी की तरफ से बुग़्ज़ व कीना ना था। बस इनका ये कौल कि अपनी अरवाह को घोरों से पाक व साफ बनाया, इससे इशारा नहायत तवाज़े की जानिब है और इस तरफ है कि वो अपने नफ्स को अब ऐसा नहीं पाता कि किसी मुसलमान पर इसको इस ख्याल से तरजीह दे कि दूसरा इसके नज़दीक हकीर है, यानी किसी को हकीर जानकर उसका नफ्स खुद को तरजीह नहीं देता और वो इससे मुमताज़ है। बस जब ये सूरत पैदा हो जाती है तो बुग़्ज़ व कीना का सदैबाब खुद ब खुद हो जाता है। बाज़ सूफिया का यह कौल जब मशहूर हो गया तो बाज़ फ़ुक़रा ने हमारे असहाब से कहा कि हमारे ख़्याल में इस कौल मशहूर के मानी कि उन्होंने अपने अरवाह को घोरों से पाक किया ये हैं कि घोरों से इशारा नफूस की जानिब है कि घोरे को पाक व साफ़ कर दिया, इसलिए कि अरवाह सूफिया मुक़ामात क़ुर्ब में हैं और नफूस में इनका नूर सरायत करता है और नूरे रूह के मिलने से नफ्स पाक व साफ़ हो जाता है। और जितनी ख़राब चीज़ें, अफूनत वाली और निजासतें जैसे बुग़्ज़ और कीना, ख़ब्स और हसद इसमें मौजूद हैं, इस नूर से सब के सब ज़ायल हो जाते हैं, यानी नफ्स नूर रूह से पाक व साफ हो जाता है। ये मानी जो बयान किए गए बिल्कुल सही हैं, अगरचे कायल ने ये मानी अपने इस कौल से मुराद नहीं लिए थे। अहले बहिश्त की सिफ़त। अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की तारीफ़ इस तरह फरमाई है, वनज़अन मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन अख़वानिन अला सुर्रिन मुक़ाबिलिन, और हमने इनके सीनों में जो कीना था इसको निकाल लिया, भाई भाई बनकर वो तख्तों पर आमने सामने बैठ गए। हज़रत अबू हिफ्स रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो क़ुलूब अल्लाह ताला की मोहब्बत से मालूफ़ और इसकी मोहब्बत पर मुत्तफ़िक़ और इसकी मुद्दत पर मुज्तमा और इसके ज़िक्र से मानूस हो गए, इनमें कीना और हसद किस तरह बाकी रह सकता है। बेशक ये दिल नफसानी वसवसों और तबी क़ुदूरतों तारीकियों से पाक व साफ़ हैं, बल्कि तौफीक के नूर से सरमगी हैं, तो फिर वो सब आपस में भाई भाई बन गए। जब सूफिया के नफूस के सिफ़ात हालन कौलन और फ़ेलन अहयाए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बासलाहियत हो गए और इनके नफूस की सिफ़ात बदल गईं और हिजाब उठ गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मवाफ़िकत और हर शय में आपकी मुताबियत वाक़े हो गई, तो इस सूरत में इन पर अल्लाह ताला की मोहब्बत वाजिब हो गई, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमको दोस्त रखेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा अल्लाह से मोहब्बत की निशानी है। अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबियत को बंदे से अपनी मोहब्बत की निशानी करार दिया है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न मुताबियत की जज़ा बंदे के लिए अल्लाह ने अपनी मोहब्बत रखी है। तो इस सूरत में जिस शख्स को जितना वाफर हिस्सा मुताबियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल होगा, उतना ही ज़्यादा हिस्सा इसको अल्लाह की मोहब्बत से नसीब होगा। मुसलमानों के तबक़ात में सूफिया कराम का तबका और गरोही ऐसा है जो उसने मुताबियत में कामयाब हुआ है, इसलिए कि इस तबका ने और हज़रात सूफिया ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की तामील की और आपने जिस जिस काम का हुक्म दिया इस पर साबित कदमी से अमल किया और जिन बातों से रोका इससे रुक गए। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा लाकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो कुछ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास लाएं इसको ले लो और जिस चीज़ से तुम्हें मना करें उससे बाज रहो। चुनाचे इन सूफिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आमाल में आपकी कमाल दर्जा पैरवी की और मुताबियत के जद्दोजहद से इबादत, तहज्जुद, नवाफिल, रोज़ा, नमाज और जो कुछ इसके सिवा है इसकी बजा आवरी में आपकी मुताबियत की और अक़वाल व अफ़आल में मुताबियत से ये लोग आपके अखलाक से मुतखल्लिक हुए, यानी हया, हिल्म, दरगुज़र, मेहरबानी, शफ़क़त, हिदायत, नसीहत और तवाज़ो से बहरामंद होने, और इसकी बदौलत इनको आपके अम्वाल पाक से कुछ हिस्सा खौफ, तस्कीन, सकीना, हैबत, ताज़ीम, सब्र, रज़ा, ज़ुहद और तवक्कुल से मिल गया। तो उन्होंने मुताबियत के तमाम अक़साम को पूरा पूरा हासिल किया, कामिल मुताबियत की और इस तरह उन्होंने ताबेहद कमाल सुन्नत का अहया किया। सूफ़ी कौन है? शेख अब्दुल वाहिद से किसी ने दरियाफ्त किया कि आपकी नज़र में सूफ़ी कौन है। आपने जवाब दिया कि मेरे नज़दीक सूफ़ी वो लोग हैं जो अपनी अक़ल के बक़दर फ़हम सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम हैं और अपने दिलों के साथ इसकी तरफ मुतवज्जो हैं, सुन्नत पर बसमीम क़ल्ब मुतवज्जे और आकिफ़ हैं और अपने नफूस की शरारतों से बचने के लिए अपने पेशवा और सरदार का दामन पकड़े हुए हैं। मेरी नज़र में ये लोग सूफ़ी हैं और हकीकत यह है कि यही सूफ़ी की पूरी पूरी और जामे तारीफ़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आका और मौला के साथ हमेशा फ़क्र का ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ तक कि आप इरशाद फरमाया करते थे कि इलाही मुझे तरफ़ल ऐन के लिए भी नफ्स के हवाले मत कर और मेरी निगहबानी इस तरह फरमा जैसे बच्चे की करते हैं। जिन चीज़ों में सूफिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबियत में कामयाब हुए, इन तमाम में अशरफ और आला इनका वस्फ़ दायमुल इफ्तिकार होता है, फ़क्र दवामी और दवामुल इल्तिजा, हर वक्त और हमेशा अल्लाह ताला से इल्तिजा करते रहना और इज्जत के इफ्तिकार के वस्फ से ही बंदा मुत्तसिफ हो सकता है, जिनका बातिन सिफाए मार्फत से साहिब कश्फ बन गया और जिनका सीना नूरे यकीन से रोशन हो गया और इसका दिल बसाते कुर्ब तक जा पहुंचा और जिसका राज हम कलामी की लज्जतों से पुर हो गया, लज्जत मसायरत जिसको मुयस्सर आ गई। इस सूरत में इसका नफ्स हुक्मी तौर पर असीर सुल्तानी बन जाता है और अल्लाह ताला का हुक्म हर हाल में बजा लाता है। इस कमाल के बावजूद जो इसको हासिल हो गया है वो अपने नफ्स को हर आफत और शर का घर समझता है कि अगर इसकी एक चिंगारी बाकी रह जाए कि वो सारे आलिम को फूंक दे कि ये चिंगारी नफ्स को बदी, बहुत पलटने वाली, बदलने वाली और पेचो ताब खाकर बुलंद आग बन जाने वाली होती है। बस अल्लाह ताला ने अपने कमाल लुत्फ से सूफी पर से इसका किसी कदर इंकशाफ फरमा दिया और इसको शनासा कर दिया इस चीज़ से जो इसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कश्फ फरमा दी थी, यानी शर नफ्स से इसको किसी कदर आगाह कर दिया और इसकी मार्फत थोड़ी बहुत इसे हासिल हो गई कि ये आगाही और मार्फत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल तौर पर हासिल थी। यही वजह है कि सूफ़ी हमेशा अपने मौला से शर नफ्स का इस्तग़ासा व फरियाद करता रहता है, गोया इसे बंदे के हक़ में ताज़ियाना बना दिया गया है कि वह नफ्स इस ताज़ियाने को हिलाता रहे, बंदे को इसकी मार्फत शर नफ्स हासिल होती रहे, इस हालत के साथ कि बंदे की नज़र इल्तिजा के आस्ताना पर लगी है और सिद्क़ के न्याज के साथ मसरूफ़ दुआ है कि नफ्स के शर से महफूज रहे। इस तरह सूफ़ी नफ्स के मुतालिया से एक लम्हा के लिए भी खाली नहीं रहता, जिस तरह कि वो अपने रब से दम भर को गाफिल नहीं होता। इस तरह अल्लाह ताला ने मार्फत नफ्स को अपनी मार्फत के साथ मरबूत कर दिया और यही मानी है इस हदीस के मन आरफा नफ्सहू फ़क़द आरफा रब्बहू, यानी जिस शख्स ने अपने नफ्स को पहचाना इसने अपने रब को पहचाना। ये अरितबात मार्फत नफ्स और मार्फत रब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मार्फत लैल का रब्त मार्फत निहार से है। सूफ़ी ही तमाम सुन्नत हाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहया करता है, बस सिवाय सूफ़ी के और कौन है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से इस सुन्नत का अहया करे कि वही आलिम बे अल्लाह और जाहिद फिद दुनिया है, तकवा को मजबूत हाथ से पकड़े हुए है, तकवा पर इस्तकामत के साथ अमल पैरा है। और सूफ़ी के सिवा और कौन है जो इस हालत के फ़ायदे से आगाह हो कि वही यानी सूफ़ी हमेशा की न्याजमंदी को अपने परवरदिगार की जानिब में तमस्क और दस्त आवेज बनाए हुए है और इसी के साथ वो पनाह तलब करता है और इसी पनाह तलबी और पनाह जोई में रूह का इस्तग़राक़ और दिल की मुताबियत महल दुआ जनाब बारी में है। हर वक्त इस इस्तग़राक़ और पनाह तलबी जनाब बारी में मसरूफ़ दुआ है और इस तरह इस तदबीर के साथ जो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ है वो कीना, नफाक, हक़द व हसद और तमाम अखलाक़ रज़ीला के गज़ंद से महफूज और मामून है। तो ये हाल है सूफ़ी। अहवाल सूफिया पर दो चीज़ें हावी हैं, तमाम सूफिया रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल पर ये दो चीज़ें हावी हैं और ये दोनों सूफिया ही के औसाफ हैं और अल्लाह ताला के इस कौल से इन दोनों औसाफ की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाहु यहबती इलैहि मन यशाउ व यहदिन इलैहि मन युनीबु। अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी तरफ बरगुजीदा करता है और जो इसकी तरफ रुजू लाए इसको राह रास्त दिखलाता है। पसंद सूफिया में से एक गरोह इस इज्तबा बरगुजीदगी के साथ मखसूस हो गया और एक गरोह हिदायत के साथ मुख्तस हो गया, बशर्ते कि अनाबत की शर्त बजा लाए और रुजू करे। लेकिन इज्तबा सिर्फ किसी बंदे की इल्लत नहीं है, ये महबूब मुराद का हाल है जिसकी हिदायत हक़ ताला की तरफ से इसकी अता व बख्शिश से होती है, बग़ैर किसी साबका कसब के। इस मोहब्बत और बख्शिश के लिए किसी साबका कसब की शर्त नहीं है और इसका इज्तिहाद इसके कश्फ पर मुक़द्दम हो। इस सूरत में सूफिया कराम के एक तबका का हाल तो ये हुआ कि पर्दे इनके दिलों से उठ गए और नूरे यकीन के लम्हा ने सरायत की और इससे इनके हाल पर जो इन पर वारिद है इज्तिहाद व आमाल की ख्वाहिश को बरांगीख्ता किया, तहरीक इज्तिहाद पैदा हुई। तब उन्होंने आमाल पर इन लज़्ज़ात और ख्वाहिशात को कबूल कर लिया जिसमें इनकी आंखों को ठंडक मौजूद थी और इस कश्फ ने इन पर आमाल को बहुत सुबक और आसान कर दिया। जिस तरह फ़िरौन के शाहिरों पर इस लज्जत ने जो फ़िज़ाए इरफान से इन पर नाजिल हुई, इस बात को आसान कर दिया कि उन्होंने फ़िरौन की वईद, अजाब की धमकी को बर्दाश्त कर लिया और वो बेसाख्ता पुकार उठे, लन्नऊ शिरका अला मा जाना मिनल बैजिनाती। इन वाज़े दलाइल पर जो मिले हैं कि हम तुझको कभी तरजीह नहीं देंगे। इस मुकाम पर इमाम जाफ़िर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब इन साहिराने फ़िरऔन को इनायत अज़ली की हवाएं लगीं तो वो सजदा शुक्र में गिर पड़े और यकजुबान होकर सब ने कहा, अमना बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बिल आलमीन पर ईमान लाए। अहले खालिसा कौन है? अबू जरा ताहरीन अबुल फजल कहते हैं, कैब मूसा दकाक ने रिवायत की है कि मैंने अबू सईद खराज रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि वो फरमाते थे कि अहले खालिसा से मुराद वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने बरगुजीदा किया है और अपनी नेमतें इन पर तमाम कर दी हैं और इनके लिए करामत मुहैया फरमाई और इनसे हरकत तलब, ख्वाहिशात को साकत कर दिया और अमलो खिदमत में इनकी हरकत और उल्फत व मोहब्बत में इनकी खिदमत व हरकत, सिर्फ जिक्र मनाजात की लज्जात और कुर्ब में इनफरादियत हासिल करने पर मबनी हो गई और कुछ इनकी हरकत और अमाल का मकसद नहीं रहा बजूज इसके कि वो उल्फत व मोहब्बत इलाही में मुस्तग़रक़ हों और इसके कुर्ब में इनफरादियत व यकताई का दर्जा हासिल करें। इन्हीं असनाद के साथ अबू अब्दुलरहमान सलमा बयान करते हैं कि मैंने अहमद बिन अल्हसन अलमसी से सुना कि उन्होंने कहा कि मैंने फातमा से, जो जोहरिया के उर्फ से मारूफ हैं और अबू सईद की शागिर्दा हैं, सुना है कि उन्होंने कहा, मैंने हज़रत ख़राज रहमतुल्लाह अलैह से सुना है कि उन्होंने मुराद की तशरीह इस तरह फरमाई कि वो अपने हाल से भरपूर और अपनी हरकत पर मदद दिया हुआ है और ख़िदमत में इसकी साई पूरी और किफ़ायत की गई है। मुराद में ये औसाफ होते हैं कि मनजानब अल्लाह हरकत व आमाल पर इसको मदद दी जाती है और इसकी मसाई को कामिल और काफ़ी बना दिया जाता है और वो शवाहिद व नवाजिर से महफूज होता है। इसकी खिदमत और इसके मसाई देखने और मुशाहिदा में नहीं आती। ऐसा ही कुछ इस अमर में शेख अबू सैद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। वो फरमाते हैं कि मुराद ऐसा है जिसकी हकीकत ताइफा सूफिया पर मुश्तबा है और वो कसरत नवाफिल के कायल नहीं होते और मशाइख की एक जमात को देखा कि वो नवाफिल में किल्लत से काम लेते थे तो इनको गुमान हुआ कि इन मशाइख की ये हालत किल्लत नवाफिल मुतलकन दायमी है, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। और वो ये न समझे कि जिन लोगों ने तर्क नवाफिल और फ़राइज़ में इख्तसार किया, इनकी ये इब्तदाई हालत थी जो मुरीदैन की होती है, लेकिन जब इस हाल से तरक्की करके राहत व आसूदगी हाल को पहुंच गए और रियाजत के बाद कश्फ इनको हासिल हुआ तो वो कैफियत हाल से मुमलिद और मालामाल हो गए। बस उन्होंने आमाल के नवाफिल और ज़वायद को तर्क कर दिया और मुराद लोगों के आमाल व नवाफिल बदस्तूर बाकी रहे कि इन्हीं चीज़ों में तो इनकी आंखों की ठंडक है। ये चीज़ें इनके लिए मौजब सरूर व शादमानी हैं और ये मर्तबा इस अव्वल से ज़्यादा उत्तम और कामिल है। जो कुछ हमने तौज़ीह की ये सूफिया कराम के एक तरीके के बारे में थी, गोया ये तरीका तरीके मुराद है। दूसरा तरीका यानी तरीक़ा मुरीदैन। दूसरा तरीका मुरीदैन का तरीका है जिनके लिए अनाबत की शर्त रखी गई है। हक़ ताला का इरशाद है, व यहदी इलैहि मन यनीब, अल्लाह इसी को अपनी तरफ राह दिखलाता है जो तौबा और इसके तरफ रुजू करे। तो ये इज्तिहाद का मुतालिबा इनसे जो किया गया ये कश्फ से पहले है और अल्लाह ताला के इस इरशाद से साबित है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लिनहदियन्नहुम सुबुलना, जिन लोगों ने हमारी राह में कोशिश की और मुजाहिदा किया यकीनन हम इनको अपनी राह दिखलाएंगे। इसका नाम मुजाहिदा कबल कश्फ है। अल्लाह ताला इन मसाई और मुजाहिदा को मदारजे कश्फ में मंदरज फरमाता है जिनमें हर तरह की रियाजत और मेहनत है, यानी शबहाए तारीक की बेदारी, तपती हुई दोपहरों की तशनगी और तलब शौक़ के शोले इन मसाई में भड़कते हैं और इस वक्त कामयाबी के अनवार इनके बराबर हिजाब में होते हैं। ये लोग इरादत की गर्म रेग में करवटें बदलते हैं और फिर ये हर आदत और मालूफ से उल्फत का रिश्ता तोड़ लेते हैं। इसी का नाम अनाबत है। जिस तरह शर्त अल्लाह ताला ने इनकी कामयाबी के लिए लगा दी है अवम इस अनाबत से हिदायत को मकरून व मशरूत कर रखा है। यह हिदायत जो अनाबत से मकरून है ये भी एक हिदायत ख़ास है, इसलिए कि यह हिदायत ख़ास इस हिदायत आम से एक अलग चीज़ है जो अमर व नही के ज़रिया से हासिल होती है। यह हिदायत ख़ास सालिक मोहब्बत मुरीद का हाल है। अब ये बात वाज़े हो गई कि अनाबत इस हिदायत आम से कोई अलग चीज़ है जो हिदायत ख़ास का समर होती है, और इसकी जानिब सूफ़ी को सीधी राह जब मुयसर आती है जब मसाई के ज़रिया वो हिदायत आम हासिल कर लेता है। इस वक्त वो उसर की तंगी से निकलकर युसर की पुरफिज़ा फराखी में पहुँच जाता है और इज्तिहाद की कलिफ्त और सोजश से अहवाल की राहत में अमन व अमान पाता है। इस तरह इस अव्वल गरोह की रियाजतें इनके कश्फ व करामात से पहले नहीं, और मुराद गरोह सानी के कश्फ व करामात इनके जहद व इज्तिहाद से पेशतर हैं। यही दोनों गरोह का फ़र्क है। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह का कौल कि उन्होंने तसव्वुफ़ किस तरह हासिल किया। शेख अबुल फतह मुहित बिन अब्दुलबाकी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने मुख्तलिफ रावियों के तवस्सुत से हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि उन्होंने फ़रमाया, हमने ये इल्म तसव्वुफ़ क़ैल व क़ाल के ज़रिया हासिल नहीं किया, बल्कि भूख, तर्क दुनिया और तर्क मालूफ़ात, वो चीज़ें जिनसे इंसान को उल्फत होती है, वो मुस्तहसनात से कता ताल्लुक़ करके पाया है। यही कौल हज़रत ख़फ़ीफ़ रहमतुल्लाह अलैह का है कि मुराद की इरादत ये है कि वो तलब में अरूज करता है, और इरादत की हकीकत यह है कि जद्दोजहद में मुदावमत की जाए और राहत को तर्क कर दिया जाए। शेख अबू उस्मान फरमाते हैं कि मुरीद वो है जिसका दिल अल्लाह के सिवा हर चीज़ से मर गया हो, दिल में किसी चीज़ की ख्वाहिश ना हो, वो फ़कत अल्लाह को चाहता है, इसके क़ुर्ब का ख्वाह होता है और इसका मुश्ताक़, यहाँ तक कि इसके दिल की तमाम ख्वाहिशात शौक़ इलाही की शिद्दत से इसके क़ल्ब से निकल जाती हैं। इन्हीं का कौल है कि मुरीदों के दिल का अजाब ये है कि वो मुआमलात व मुकामात से महजूब इनके अजदाद की तरफ हो जाएं। बस ये दोनों तरीके अहवाल सूफिया के साथ जमा हो जाते हैं। इन दोनों तरीक़ों के अलावा दो तरीके और भी हैं, लेकिन वो सबूत तहक़्क़ुक़ तसव्वुफ़ के तरीक़ों से नहीं, इनसे तहक़ीक़ व सबूत तरीक़ाए तसव्वुफ़ का नहीं होता। इन दोनों में से एक तरीका तो मजजूब का है, जो कि कश्फ के बाद इज्तिहाद की तरफ रुजू नहीं हुआ और अपने जज्ब पर कायम रहा, और दूसरा तरीका इस आबिद व मुज्तहद का है जो इज्तिहाद के दर पे रहा और मुकाम कश्फ तक नहीं पहुंचा। और सूफिया के नज़दीक इन दोनों तरीक़ों में हुस्न मताबियत के बग़ैर सेहत नहीं हो सकती। ये दोनों तरीके इसी वक्त सही हो सकते हैं कि इनमें हुस्न मताबियत पैदा हो, और यही सूफिया की इनसे फसल की वजह है। सूफिया इसी हुस्न मुताबियत के न होने के बायस इन तरीक़ों से अलग थलग हैं। जिस शख्स ने यह ख्याल किया कि वो बग़ैर मुताबियत के फ़ायज़ुल मराम और कामयाब हो जाएगा, तो वो धोखे में आ गया और पसमानदा है। शेख अबू सैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो बातिन ज़ाहिर इसके ख़िलाफ़ हो, नाचीज़ और नाहक है। शेख जुनैद रहमतुल्लाह अलैह पर सुन्नत के कौल और फ़ेल में हुक्मरान बना दिया, तो इसने हिकमत के साथ कलाम किया, और जिसने हवा व हवस को अपने नफ्स पर फरमा रवा बना दिया कौलन व फ़ेलन, तो इसने बिद्दत की गुफ्तगू की। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यह हिकायत बयान की जाती है कि उन्होंने एक दिन अपने असहाब से फ़रमाया कि चलो आज चल कर देखें जिसने ख़ुद को वली मशहूर कर रखा है, और ये शख्स अपने गिरदोनवाह में जाहिद व आबिद मशहूर था, इसके जाहिद व इबादत की शोहरत थी, चुनाचे हम लोग इसकी तरफ चले। जब वहाँ पहुँचे तो वो मशहूर वली अपने घर से मस्जिद की तरफ जाने के लिए निकला और इसने किबला की तरफ थूका। ये देखकर हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उल्टे पाँव फिर चलो। हम सब के सब वापस आ गए, यहाँ तक कि इससे सलाम अलैकुम तक न की। हज़रत बायज़ीद ने हमसे कहा था कि ये शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का भी मुअत्तमद अमीन नहीं है, तो फिर ये मुक़ामात औलिया और सिद्दीकीन के दावों का अमीन किस तरह हो सकता है। मरते वक्त भी हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास था। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के खादम से किसी शख्स ने दरियाफ्त किया कि तुमने इनकी वफ़ात के वक्त क्या मुशाहिदा किया। खादिम ने कहा कि जब इनकी मौत का वक्त करीब आया तो इनकी ज़ुबान लड़खड़ा गई और पेशानी पर मौत का पसीना आ गया, तो उन्होंने इशारा किया कि मुझे वज़ू करवा दो। बस मैंने इनको वज़ू करवाया, लेकिन मैं इनकी दाढ़ी में खलाल करना भूल गया, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर और मेरी उंगलियों को अपनी दाढ़ी में खलाल के लिए डाल लिया। अल्लाह अल्लाह, ये था पास सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत सहल बिन अब्दुल्लह तिस्तरी फरमाते हैं, हर वो वजदा कैफियत जो किताब व सुन्नत में मौजूद नहीं बस वो बातिल है। जिस जिद की किताब व सुन्नत से शहादत ना मिले वो बातिल है। बस ये है कि सूफिया का हाल और इनका तरीका इस सूरत के अलावा जो हाल का दावा करे वो झूठा और गुमराह है।